नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद की खास श्रृंखला देशज औषधि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेल की, जो सर्व सुलभ है। बेल के पके फल की मज्जा का चूर्ण भूख को बढ़ाता है, शरीर में उपस्थित टॉक्सिन्स या आम को बाहर निकालने में मदद करता है। बिल्व चूर्ण में ऐसे गुण होते हैं जो तेज दस्त में देने से तुरंत लाभ मिलता है। जब दस्त में जलन हो और रक्त भी आ रहा हो, तब बिना पके बेल की मज्जा का चूर्ण, मुलेठी, शहद और मिश्री को चावल के धोवन के साथ डालकर पीने से अत्यंत लाभ मिलता है। अनियमित भोजन करने वाले व्यक्ति में जब विशेष बल लगाने पर म्यूकस के साथ थोड़ा थोड़ा मल निकले और व्यक्ति प्यास और शूल यानी दर्द से परेशान हो, तब बेल के छोटे फल की मज्जा का काढ़ा बनाकर दूध के साथ देने पर लाभ मिलता है। अगर उल्टी ना रुक रही हो, तब बिल्व की मज्जा का काढ़ा शहद के साथ देने से लाभ मिलता है। पाइल्स में बेल की जड़ के काढ़े को थोड़ा सहने योग्य गर्म कर लें। पीड़ित व्यक्ति को उसमें बिठाकर सेक देने से लाभ मिलता है। यदि पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही हो, तो मट्ठा और बेल का मज्जा का चूर्ण बहुत उपयोग में लाया जाता है और बहुत लाभ देता है। प्रमेह में बेल मज्जा का काढ़ा शहद के साथ उपयोगी होता है। प्रमेह मतलब डायबिटीज। किसी भी पेनफुल कंडीशंस में बेल की जड़ का काढ़ा बहुत आराम देता है। यदि घाव हो, चोट हो, सूजन और दर्द हो, वहाँ कुछ गर्म बेल के पत्र का पेस्ट लगाकर बैंडेज करने से बहुत लाभ मिलता है। यदि पसीने में किसी व्यक्ति के बहुत बदबू आती हो, तो बेल पत्र स्वरस को संपूर्ण शरीर में लगाने से दुर्गंध दूर होती है। बेल की मज्जा का चूर्ण गुड़ के साथ अपचन से उत्पन्न शूल में भी लाभ देता है। पीलिया में होने वाले विबंध या कॉन्स्टिपेशन में बेल के पत्र का स्वरस थोड़ी मात्रा में काली मिर्च के साथ लाभकारी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेल के जड़ का काढ़ा कैसे बनाएं। बेल की जड़ ताज़ी या सूखी 5 ग्राम की मात्रा में ले लें। 200 ml जल में धीमी धीमी आंच पर पकाएं और जब वह 1/4 रह जाए तो ये सेवन के लिए तैयार है। अब बताते हैं कि चावल के धोवन को कैसे बनाते हैं। उसके लिए 2-3 चम्मच चावल ले लें, 2-3 घंटे तक उसको भुगा दें और जब वो खूब अच्छे से भीग जाए तब और अधिक जल मिलाकर मसल कर उसको छान लें। आपके लिए चूर्ण बनाने की विधि जानना भी बहुत आवश्यक है। बेल के गूदे को सुखा लें और पीस लें। ये आपका चूर्ण तैयार हो गया। आइए जानते हैं काढ़ा कैसे बनाएं, यानी चूर्ण से। लगभग 5 ग्राम चूर्ण मज्जा का ले लें, 200 ml पानी मिलाएं, 1/4 रहने तक पकाएं। हो गया तैयार। अब जानते हैं हम लोग उसका स्वरस, जो हमने आपको बताया था। तो स्वरस के लिए बेल के पत्रों को धो लें, धोकर सिल बट्टे या खलड़ जो भी आपको मिले उसमें पीस कर उसको छान लें। स्वरस तैयार है। आपने देखा कि बेल हमारे जीवन में कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आशा है कि ये जानकारी आपके दैनिक जीवन में लाभदायक सिद्ध होगी। मेरी प्रार्थना है कि आप आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन अवश्य करें, तब ये उपाय और ज़्यादा लाभ देंगे। रोग प्रबल हो तो किसी कुशल वैद्य की देखरेख में चिकित्सा अवश्य कराएं। धन्यवाद।